हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज बनाने वाले हैं हम व्रत में खाने वाला खाना और बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी बनकर रेडी होगी, तो बने रहें आखिरी तक मेरे साथ, वीडियो स्किप ना करें। और बनाने वाले हैं हम व्रत में खाने वाले आलू बड़े, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होंगे। और इसके साथ बनाएंगे हम पीनट चटनी, इंस्टेंट चटनी बनाएंगे जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं एक हफ्ते तक, तो वीडियो स्किप ना करें आखिरी तक वीडियो देखें। और यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिए हैं अच्छे से बॉईल करके, और इन्हें इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे ताकि इनमें कोई गठान ना रहे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने तीनों आलुओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसके साथ ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। थोड़ा सा ऐड करेंगे हम चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच के करीब लिया है मैंने, और आधा चम्मच लिया है भुना हुआ जीरे का पाउडर। इसके साथ ऐड करेंगे हम व्रत में खाने वाला नमक, सेंधा नमक लिया है मैंने, और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप इसमें। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम रोस्टेड पीनट पाउडर, 3 चम्मच के करीब पीनट्स पाउडर लिया है मैंने। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से हम मिक्स कर देंगे इस तरह से, ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं, और इसका एक डो फॉर्म में हम कर लेंगे मिक्स करते हुए। अच्छे से मिक्स करें हाथों से, ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और ये आलू का मसाला हमारी भरावन एकदम रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जब हम इसके बॉल्स बनाएंगे तो ये हमारे हाथों में नहीं चिपकेगा। इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस लेंगे मसाले के और हाथों से इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। अगर आप चाहें तो राउंड शेप में बनाएं, गोल गोल लड्डू जैसे, या फिर हल्के से लंबे कर दें। मैं यहाँ पर पिट्ठी का आकार दे रही हूँ इनका, थोड़ा थोड़ा लंबे कर दे रही हूँ। इस टाइप से बना लेंगे हम सारे, बाकी भी इसी तरह से बना लेंगे। और ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं बॉल्स इस तरह से, और यहाँ पर बहुत सारे बन गए हैं, लगभग 10 से 12। अब यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे हम। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 प्रकार के आटा, मैंने राजगिरा का आटा लिया है और सिंघाड़े का आटा भी लिया है। आप चाहें तो दोनों में से कोई भी एक आटा ले सकते हैं, मैंने दोनों को बराबर क्वांटिटी में ले लिया है। यहाँ पर लगभग 1.5 चम्मच लिया है, और कप से नापेंगे तो 1 कप के बराबर। अब यहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा एक पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे हम, इसमें कोई लम्स ना रहे। अच्छे से मिक्स करें इसको, और पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करते डालते जाएं, एकदम से ना डालें वरना एकदम पतला बैटर बन जाएगा। और यहाँ पर ये बैटर हमारा एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है। अगर आपका बैटर थोड़ा पतला लगे तो इसमें आप थोड़ा सा आटा और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर बैटर हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, ये व्रत में खाने वाला नमक लिया है मैंने। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ। इसके साथ ऐड कर देंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच के करीब लिया है मैंने। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर देंगे हम और अच्छे से मिला देंगे, तो ये बैटर हमारा एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है। अब चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने चढ़ा दी है कढ़ाई, मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल गर्म कर लिया है अच्छे से, और जो बैटर हमने बना के रखा था आटे का वो बैटर ले लेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे आलू के बॉल्स जो हमने बना के रखे थे, वो अच्छे से डिप करेंगे, और इसमें हम ये आटे के बैटर की एक अच्छे से कोटिंग कर देंगे। और इसको उठाकर हम इसमें डीप फ्राई करेंगे, ऑयल में डाल देंगे, अच्छे से डालें क्योंकि तेल काफ़ी गर्म हो गया है। हाथों को बचाते हुए अपना काम करें। और यहाँ पर दूसरा बॉल्स भी हम डाल देंगे, 2 से 3 की क्वांटिटी में ही तलें, ज़्यादा ना डालें इकट्ठे वरना ये चिपक जाते हैं। और इनको मीडियम फ्लेम पर हम डीप फ्राई कर लेंगे, और बीच बीच में इस तरह से हम इन्हें पलटते जाएंगे। 3 से 4 मिनट में काफ़ी अच्छे से ये सिक जाते हैं, और ये देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं और हमने बढ़िया से इन्हें फ्राई कर लिया है, और एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए हैं। अब यहाँ पर बनाएंगे हम इंस्टेंट पीनट चटनी, और इसे आप हफ्तों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। यहाँ पर मैंने तड़का पैन ले लिया है और इसमें आधा टेबल स्पून मैंने तेल डाल दिया है, थोड़ा सा हरी मिर्च डाल देंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे हम। फिर यहाँ पर डालेंगे हम पीनट्स पाउडर, 3 टेबल स्पून के करीब पीनट्स पाउडर डाल रही हूँ मैं, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से भून रही है। फिर इसमें ऐड करेंगे हम
भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक डाला है मैंने इसमें, और अच्छे से मिक्स करते हुए इसको 1 से 2 मिनट तक और अच्छे से भून लेंगे हम। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी आ गया है, अच्छे से पक गई है चटनी हमारी। 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना है एकदम लो फ्लेम पर, ज़्यादा हाई ना करें गैस की फ्लेम। और यहाँ पर गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है, चटनी हमारी बनकर एकदम तैयार है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं और यहाँ पर सर्व कर लेते हैं हमारे पकौड़े। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ा सा भी वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और गर्मा गर्म व्रत वाले आलू के पकौड़े का मज़ा लीजिए पीनट्स चटनी के साथ और तली हुई हरी मिर्ची के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।